फतेहपुर और सीतापुर में जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामले में बवाल हो गया। दोनों ही जिलों में लोगों को बहला फुसलाकर काफी समय से धर्मांतरण कराया जा रहा था। जब इसकी खबर हिंदुत्ववादी संगठनों को लगी तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। पिछले कुछ महीनों में यूपी के अलग अलग जिलों में जबरन धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ने की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर यूपी के फतेहपुर और सीतापुर में लोगों का धर्मांतरण कराए जाने के मुद्दे पर हंगामा खड़ा हो गया। फतेहपुर में भोले भाले गरीब लोगों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण कराए जाने की खबर जब हिंदू संगठनों को लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने वहां एक सभा का आयोजन किया था जिसमें 30 से ज्यादा हिंदू महिलाएं भी शामिल थी। उन्हें फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने को कहा जा रहा था। इस घटना की खबर मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। बड़ी बात यह कि इन महिलाओं में भ्रम फैलाने के लिए हिंदू महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था जिनके तार बिहार से भी जुड़े बताए गए। उनको ये बताया जा रहा था कि कोई राम कोई कृष्ण भगवान नहीं, सब जो है यीशु ही है, उन्हीं के माध्यम से सब होता है और पाखंड वहाँ फैलाया जाता था। वहाँ ये कहा जाता था आंख ठीक हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। वहाँ धर्मांतरण जिस माध्यम से होता है, यीशु की किताबें भी मिली, वहाँ काफी चीजें मिली जो प्रशासन को अवगत है, प्रशासन के पास है भी। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई का दावा किया। जबरन धर्मांतरण कराए जाने का दूसरा मामला यूपी के सीतापुर से सामने आया जहां कैमरे में कुछ लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए फुसलाया जा रहा था। इस घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे जहां उन्होंने ईसाई धर्म से जुड़ा साहित्य भी बरामद किया। इस दौरान उनकी वहाँ कुछ लोगों से बहस भी हुई। कुछ कार्यकर्ता मौके पे गए देवरिया गांव में, देखा कि वहाँ पे जनसभा लगी हुई है और वहाँ पे बाइबल रखी हुई है और वहाँ पे कोई तरल पदार्थ भी रखा हुआ है, ईसा मसीह का फोटो लगा हुआ है और एक पादरी वहाँ पे बैठा हुआ था कुर्सी पे। तो वहाँ पे कार्यकर्ता जाकर उस पादरी को पकड़ लेते हैं और पुलिस प्रशासन को अवगत कराकर पुलिस प्रशासन की मदद से उस पादरी को सदर थाने भिजवाया गया। वहीं पुलिस मौके से पकड़े गए पादरी से पूछताछ कर इस पूरे रैकेट की जानकारी जुटाने में लगी। फतेहपुर से अवनीश सिंह और सीतापुर से राजकुमार दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।